दोस्तों, अगर BFD के आपको पैरामीटर जानने हैं कि इस BFD में क्या क्या पैरामीटर डले हैं तो आप उसको कैसे चेक करोगे, तो हम उस वीडियो में आपको बताएंगे। ये हमारे पास है GA700 यस्कावा मेक की BFD, और हम इसमें जानते हैं कि क्या क्या इसके अंदर पैरामीटर डाले गए हैं, वो हम चेक करेंगे BFD की डिस्प्ले से। ठीक है, तो दोस्तों ये BFD की डिस्प्ले आ गई हमारे पास। ठीक है, हम पैरामीटर में जाने के लिए हम F2 पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों पैरामीटर के अंदर जाने के लिए हम F2 पे क्लिक करेंगे एक बार। ये देखिए आप, ये पूरा हमारा डिस्प्ले के अंदर का पैरामीटर क्या क्या होते हैं वो है। ये हमारा मॉनिटर आ गया, ये हमारे पैरामीटर्स आ गए, ये यूजर कस्टमर पैरामीटर्स आ गए, ये पैरामीटर बैकअप रिस्टोर आ गया, और ये मॉडिफाइड पैरामीटर और फॉल्ट लॉग। तो दोस्तों जो पैरामीटर हमें इस BFD में डले होते हैं उसको हम कैसे चेक करेंगे, वो हम चेक करेंगे मॉडिफाइड पैरामीटर में। ठीक है, और हमें अगर पैरामीटर कोई चेंजेस करना हो तो हम वो पैरामीटर में जाएंगे, यहाँ पे डाउन बटन दबाकर इंटर कर देंगे। ठीक है, तो अभी हमें जाना है मॉडिफाइड पैरामीटर में। ठीक है, तो हमने इसको इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद फिर हमारा मेड मॉडिफाइड पैरामीटर्स आ गया, फिर इसको दोबारा इंटर कर दिया, फिर हम दोबारा आ गया हमारा स्टैंडर्ड पैरामीटर्स, फिर हमने इसको दोबारा इंटर कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल मेथड सिलेक्शन आ गया हमारे, ये A102, ये हमारा पैरामीटर डला हुआ है 2 नंबर। इसको हम इंटर करके चेक कर लेते हैं कि क्या पैरामीटर है। ये आप देख सकते हैं A1020 पर है, तो इसको BF कंट्रोल है। ठीक है, तो BF कंट्रोल पे हमने इसको सिलेक्शन कर रखा है। अब हम जाएंगे बैक, अभी हम इसको 0 कर देते हैं, इंटर कर देते हैं। बैक जाने के लिए अभी हम क्या करेंगे, A102 में हमें 0 करना है, सॉरी 0 कर दिया अभी हमने इसको। अब हम इसको जाने की बैक जाएंगे, बैक आ गए हम। अब आ जाते हैं इनपुट AC सप्लाई वोल्टेज 415 है, इसको हमने डाउन करेंगे। डाउन करने के बाद हम इसको इंटर करेंगे। ये देखिए आप आ सकते हैं यहाँ पे इनपुट AC सप्लाई वोल्टेज A101 में क्या है हमारा 415 वोल्ट AC। ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है हमारा 400 वोल्ट AC, लेकिन हमें मोटर जो हमारी मोटर होती है वो ऑपरेट होती है वो 415 वोल्ट AC पे, तो हमने वो मोटर की जो मोटर वोल्टेज होती है वो हमने यहाँ पे इनपुट कर दिया। ठीक है, इंटर करेंगे इसको, फिर डाउन करेंगे, फिर आ जाता है हमारा H103 पे, इसको इंटर करेंगे। ये हमारा H103 आ गया हमारा, इसमें डला हुआ 14 नंबर। यानी कि रीसेट के लिए हम कौन क्या पैरामीटर डालेंगे और हम कौन सा टर्मिनल यूज़ करें रीसेट के लिए, H103, और रीसेट करने के लिए हमें इसमें 14 नंबर डालना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब ऐसे ही हम नीचे करेंगे इसको, H104 पर क्लिक करेंगे। H104 पर क्लिक करने के बाद हमारा आ गया, ये आ गया हमारा अप टू कमांड, यानी कि स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए हमारा H104 पे हमारा 75 डालेंगे। ठीक है, स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए पुश बटन की मदद से। ठीक है, ये स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए पुश बटन की मदद से हम H104 में 75 डालेंगे, इसको हम इंटर कर देंगे। अब हम डालते हैं नीचे वाले जाएंगे H105, इसमें आ गया हमारा H105 में 76। ये डाउन टू कमांड, ये डाउन का मतलब होता है स्पीड डिक्रीज करने के लिए। ठीक है, डिक्रीज करेंगे तो हम हमारा यहाँ पे पैरामीटर वो डलेगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया डाउन कमांड के लिए 76, और जो टर्मिनल नंबर है वो हमारा H105। तो दोस्तों ये हमारा हो गया है। तो दोस्तों आपका ये डाउन कमांड हो गया, यानी कि डाउन का मतलब है हमारा डिक्रीज करने के लिए। ठीक है, हम बैक जाएंगे। अब आ जाते हैं H106। H106 का मतलब हमारा 6 नंबर टर्मिनल। ठीक है, इसमें हमने डाला हुआ C, इसमें आ गया हमारा एनालॉग टर्मिनल अनेबल सिलेक्शन, ये बाय डिफ़ॉल्ट 4 रहेगा हमारा, ये हमारा एनालॉग टर्मिनल सिलेक्शन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है एनालॉग टर्मिनल अनेबल सिलेक्शन, इसका मतलब होता है कि हम अपना एक सिलेक्टर स्विच लगा कर ये सिलेक्टर स्विच लगा देंगे हम, इसको जब हम ऑटो में करेंगे तब हमारा कोई भी काम हमारा यहाँ से स्टार्ट स्टॉप कुछ नहीं होगा, हमारा सब कुछ एनालॉग से होगा। ठीक है, एनालॉग का मतलब होता है कि हम बाहर से कमांड देंगे 4 to 20 mA, जब हमारी ये BFD रन कमांड लेगी और स्टार्ट कमांड होगी और हमारी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी जब हम इसको 4 से 2 mA जब कोई सोर्स प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है दोस्तों, सर कल लो ही कह दें। तो दोस्तों अब हम इसको बैक करते हैं। अब हम जाएंगे H107 में,
इसको हम इंटर करेंगे। ये H107 हमारा एफ है, एफ का मतलब है था नॉट यूज्ड, तो हमने यहाँ पे इसका कोई यूज़ नहीं किया गया, इसलिए हमने इसको एफ़ कर देंगे। ठीक है, जो टर्मिनल हम यूज़ नहीं करेंगे उसको हम हमेशा एफ़ रखेंगे। ठीक है, अब हम इसको बैक जाएंगे। अब हम आ जाते हैं H108 भी हमारा एफ है, इसको भी हम एफ रहने देंगे। अब हम आ जाते हैं H301 पर हम क्लिक करेंगे। इस पर हमने डाल रखा है टर्मिनल A1 सिग्नल लेवल सेलेक्ट, यानी कि A1 में हमारा क्या है, A1 पे हमारा आएगा 4 to 20 mA, यानी कि जो हमने A1 जो टर्मिनल यूज़ किया है वो हमने 4 से लेके हमने 20 mA इसको देने के लिए यूज़ किया है, ताकि हम इसको इंटर कर सकें इसमें A1 में। ठीक है, अब हम बैक करेंगे। अब आ जाते हैं हम H405 में। H405 में टर्मिनल AM एनालॉग आउटपुट गेन, यानी कि AM का मतलब होता है। तो दोस्तों हम H405 में हम 100% ही रखेंगे इसको, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। और अब हम आ जाते हैं डाउन बटन दबाएंगे दोबारा। अब हमारा H407 इस पर हम इंटर करेंगे। ये आ गया हमारा टर्मिनल FM सिग्नल लेवल सेलेक्ट, ये भी हमारा आ गया 4 to 20 mA। ठीक है दोस्तों, ये भी हमारा रहेगा 4 to 20 mA। हम इसको बैक करेंगे। अब हम आ जाते हैं H408 पे क्लिक करेंगे। इसमें आ गया टर्मिनल AM सिग्नल लेवल सेलेक्ट। H408 में भी हम 2 रखेंगे, इसको भी मिली एम्पियर में हम रखेंगे 4 to 20 mA। ठीक है, बैक करेंगे इसको। अब हम डाउन करेंगे। ये हमारा ये पैरामीटर थे सभी। तो दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।